हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे विवेकानंद नाडा ई लर्निंग ऐप पर। देखो आज के इस वीडियो में हम जो हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है विद्युत धारा, उसका नया टॉपिक लेंगे गतिशीलता। गतिशीलता को देखो इंग्लिश में बोलते हैं मोबिलिटी। देखो इस नाम से ही हमारे को पता चलता है कि कोई भी चालक पदार्थ या विद्युत अवकट्य पदार्थ में जो आवेश वाहक होते हैं उनकी गति के बारे में जो फैक्टर बताता है हमें वही क्या होता है, गतिशीलता होता है। देखो मोबाइल मोबिलिटी है तो मोबाइल क्या होता है भाई, हलचल करने वाला या गति करने वाला, वहीं से बना है मोबिलिटी। देखो गतिशीलता को समझने के लिए जो हमने इस वीडियो से पहले वीडियो था अपमान वेग वाला, तो उसमें हमने एक देखा था मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। देखो मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने पढ़ रखा है कि कोई भी परमाणु होता है उसकी बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर नाभिक का जो आकर्षण बल होता है विद्युत आकर्षण बल, वो बहुत ही दुर्बल होता है और वो उस अगर इस परमाणु को अगर हम थोड़ी सी ऊर्जा देंगे तो जो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसे परमाणु से निकल जाता है तथा पदार्थ में मुक्त रूप से विचलित करता है, उसे हमने बोला था मुक्त इलेक्ट्रॉन। और एक चालक पदार्थ लिया था उसके लिए मैंने जब यदि उस पर विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया जाता है तब मैंने एक डायग्राम बनाया था मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अब जो वेग होता है वो किस किस दिशा में गति करता है, उसके लिए मैंने एक डायग्राम बना के आपको समझाया था। E is equal to zero मतलब उस पर विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया गया है, ये कोई चालक पदार्थ है। ठीक है, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि ये कोई इलेक्ट्रॉन है मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो टेढ़ी मेढ़ी गति करता है जब विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया जाता है तब की बात है। जैसे मान लो यहां से बना देता हूं, इधर गया यहां से इधर गया, ऐसे गति करता है यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। देखो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है वो गति करता हुआ किसी दूसरे मुक्त इलेक्ट्रॉन से, परमाणु से, आयन से, इनसे गति करता है, गति करता हुआ जिग-जैग मोशन जिसे बोलते हैं वो टेढ़ी मेढ़ी गति करता है। टेढ़ी मेढ़ी गति करता हुआ वापस कहां आ जाता है, किस बिंदु पर आ जाता है, ये है कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन का विचरण है किसी पदार्थ में, ऐसी गति करता है टेढ़ी मेढ़ी टकराता हुआ दूसरे अणु से, आयनों से, परमाणुओं से गति टक्कर करता हुआ टेढ़ी मेढ़ी गति करता है जब जब विद्युत क्षेत्र क्या हो, शून्य हो, विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं हो। लेकिन जब इस पर इससे पहले आप एक देखो जो हमने अपवर्त वेग जिसका वेग था ये टेढ़ी-मेढ़ी गति कर रहा था एक निश्चित औसत वेग से गति कर रहा था। अरे भाई हमने जब विद्युत क्षेत्र आरोपित किया तब क्या किया, हमने इस पर क्या किया था, एक विद्युत क्षेत्र आरोपित किया था, विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के पश्चात एक निश्चित औसत वेग से निश्चित दिशा में गति कर रहा था, उसे हमने बोला था अपवहन वेग। और अपवहन वेग देखो जब विद्युत क्षेत्र जीरो होता है तो अपवहन वेग औसत वेग का मान भी जीरो होता है, उस पर अपवहन वेग का मान कितना होता है, जीरो होता है। अब यदि इस पर क्या करें, विद्युत क्षेत्र आरोपित कर देते हैं, अब यदि इस पर विद्युत क्षेत्र आरोपित कर देते हैं तब ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है वो टेढ़ी मेढ़ी गति तो करता है लेकिन एक निश्चित दिशा में गति करता है, टेढ़ी-मेढ़ी गति तो करेगा लेकिन एक निश्चित दिशा में गति करता हुआ एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर या विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करता है। देखो मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन हमेशा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करता है जो हमारा
फर्स्ट वीडियो था इस चैप्टर का, उसमें बताया था कि इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करता है। देखो इधर तो मान ली मैंने धनावेश, इस प्लेट मान ली, और इधर लगा दी मैंने ऋणावेश प्लेट। अब देखो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई इधर से इधर, प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर। तो ये देखो मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो पथ होगा वो कैसा हो जाएगा रे? वो हो जाएगा यहां से चलता हुआ टेढ़ी मेढ़ी गति तो करेगा लेकिन एक निश्चित दिशा में गति करने लग जाएगा। किसी दूसरे परमाणुओं से आयनों से टक्कर करता हुआ एक निश्चित दिशा में गति करने लग जाता है और उस निश्चित दिशा में औसत वेग से या नियत वेग से जो एक गति करता है उसे अपवर्तन वेग का नाम दिया था भाई। अपवर्तन वेग का नाम दिया था। देखो पहले तो यहां था टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग मोशन करता हुआ कहां गया? प्लस प्लेट की ओर आ गया। ये तो हो गया हमारा अपवर्तन वेग के बारे में था। अब यहीं से हम गतिशीलता की परिभाषा बनाएंगे कि भाई देखो जब हमारा जो अपवर्तन जो विद्युत क्षेत्र है ना उसका मान बढ़ाएंगे, यदि विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाएंगे तो इसकी टक्करें भी जल्दी होगी भाई। विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाएंगे तो ये अपवर्तन वेग जो एक नियत वेग से नियत निश्चित दिशा में गति करता है उसका मान भी बढ़ जाएगा। अरे भाई क्या करेंगे इसको हम, क्या होता है कि जब किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किया जाता है तो उस पर विद्युत क्षेत्र के द्वारा एक बल लगाया जाता है, वो होता है एफ बराबर क्यू इंटू पी। एफ बराबर होता है क्यू इंटू पी, जहां क्यू क्या है इलेक्ट्रॉन है, आवेश कौन है इलेक्ट्रॉन है, तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का ई। तो इतना बल लगेगा उसे एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र के द्वारा आरोपित बल कितना होगा? एफ बराबर होगा माइनस का ई ई वेक्टर, जहां ई तो क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश और कैपिटल ई क्या है विद्युत क्षेत्र। अब देखो अरे भाई इस पर अगर बल लगेगा तो हमारे को पता है कि किसी भी पार्टिकल पर हम अगर बल लगाते हैं तो उसमें क्या होता है त्वरण उत्पन्न होता है। अरे वेग वेग में परिवर्तन होगा समय के साथ तो वहां क्या बन जाएगा त्वरण। अरे हम जानते हैं त्वरण एक्सीलरेशन ए बराबर होता है डेल वी अपॉन में डेल, जहां डेल क्या है वेग में परिवर्तन, और हम मैं बोल रहा हूं वेग में परिवर्तन नियत वेग से, इसे बोल रहा हूं मैं नियत वेग से निश्चित दिशा में गति कर रहा है, तो नियत वेग का मतलब हो गया डेल्टा वी इक्वल टू जीरो, वेग में परिवर्तन कितना है जीरो हो रहा है। तो वेग में परिवर्तन अगर जीरो होगा तो वहां पर त्वरण उत्पन्न होगा ही नहीं, सीधी सी बात है। अगर डेल्टा वी जीरो होगा तो यहां से त्वरण का मान कितना हो गया जीरो। तो ये ऐसा बोल रहा हूं कि यहां से यहां तक जाने में इसमें त्वरण उत्पन्न जीरो हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो जब ये यहां से गति करता है तो उसमें क्या होता है इसका वेग धीरे 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 बढ़ता है। यहां से गति करेगा तो यहां से वेग होगा मान लो कोई 40 इकाई और यहां पर जाके 50 हो गया, तो यहां से यहां तक वेग में परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन ये इससे अगर अगले वाले परमाणु से या आयन से टक्कर करता है तो ये कुछ गतिज ऊर्जा शहीद होती है, यहां पर कुछ गतिज ऊर्जा में कमी आती है जिसके कारण इसका वेग कम हो जाता है। यहां से तो जैसे मान लो 40 था यहां से बटा 50 हो गया लेकिन वापस से अगर टक्कर करेगा तो इसका वापस 40 हो जाएगा। इसके पश्चात ऐसे यहां से गति करता हुआ धीरे 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 वेग में परिवर्तन होगा लेकिन यहां पर दूसरे अगर पार्टिकल से टक्कर करते क्या हो जाएगा इसका वेग में जो उसकी गति ऊर्जा में कमी आ जाएगी और वेग उतना का उतना ही जो शुरुआत में था उतना का उतना ही वापस हो जाएगा। तो मतलब वेग में परिवर्तन तो हो रहा है कि नियत वेग से गति कर रहा है अगर त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा है। अब देखो अगर हम विद्युत क्षेत्र जो आरोपित विद्युत क्षेत्र है उसका मान बढ़ा दें, आरोपित विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाएंगे तो ये जो टक्कर हो रही है इसका अपवर्तन वेग का मान भी बढ़ जाता है। यहां से एक ही परिभाषा निकलती है कि जैसे किसी चालक पर आरोपित विद्युत क्षेत्र का मान अगर हम बढ़ाएंगे तो अपवर्तन वेग का मान भी बढ़ जाएगा। अगर आरोपित विद्युत क्षेत्र कम तो अपवर्तन वेग भी कम, आरोपित विद्युत क्षेत्र ज्यादा तो अपवर्तन वेग भी ज्यादा हो जाता है।
देखो यहीं से गतिशीलता की परिभाषा उत्पन्न हो रही है, कैसे कि किसी चालक पदार्थ पर आरोपित विद्युत क्षेत्र का मान उस चालक पदार्थ में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग में अपवहन वेग के समानुपाती होता है। किसी दोबारा से बोलो, किसी चालक पदार्थ पर आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उस चालक पदार्थ में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग के समानुपाती होता है, अपवहन वेग के समानुपाती होता है। तो देखो मैं पूछ रहा हूं, किसी चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग का मान आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है, आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। भाई किसी भी चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग का मान आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है, अर्थात वीडी अपवहन वेग का मान वीडी समानुपाती होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, वीडी समानुपाती हो जाएगा ई के, और यहां से जो समानुपाती नियतांक है उसको उठाएंगे तो यहां से हो जाएगा वीडी बराबर हो जाएगा म्यू ई, वीडी बराबर हो जाएगा म्यू ई, जहां म्यू क्या है समानुपाती नियतांक जिसे गतिशीलता कहते हैं, जिसे गतिशीलता कहते हैं, जिसे म्यू क्यों क्या बोलते हैं गतिशीलता। यहां से म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा वी डी अपॉन में ई, इसको दे दो समीकरण नंबर एक, इसको दे दो समीकरण नंबर दो। देखो म्यू बराबर हो गया है वी डी अपॉन में ई, देखो हमें एक रिलेशन जो हमने पढ़ा था इससे पहले वाला अपवहन वेग, अपवहन वेग वाला जो वीडियो पढ़ा था हमने देखा था अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता थी उसमें एक रिलेशन पढ़ा था हमने, अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में एक रिलेशन पढ़ा था, वो था ई तो अपॉन में एम इंटू ई वी डी इज इक्वल टू था। यहां से देखो हम देखेंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं ना, जो वीडी होता है वो होता है ई टो अपॉन में एम इंटू ई, ये रिलेशन हम जानते हैं, जो हमारा जो इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें निकला था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अपवहन वेग में संबंध। तो यहां से अगर VD का इसको दे दो समीकरण नंबर तीन, तो समीकरण एक और तीन से यहां से हो जाएगा समीकरण एक व समीकरण तीन से, समीकरण एक और समीकरण तीन से क्या हो जाएगा VD देखो दोनों लेफ्ट हैंड साइड दोनों के बराबर है, इसकी और इसकी दोनों की लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी, तो यहां से म्यू ई बराबर हो जाएगा ई टो अपॉन में एम इंटू ई, तो E से E कैंसिल हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा E टो अपॉन में M। ये आ गया विद्युत जो गतिशीलता है उसका एक नया फॉर्मूला भी आ गया है, म्यू बराबर E टो अपॉन में M, जहां E तो क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो क्या है विश्रांति काल, और M है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब देखो यहां से हम एक और
पुट कर सकते हैं कि जो गतिशीलता होती है वो एक अदिश राशि होती है। गतिशीलता क्या होती है? अदिश राशि होती है। अदिश राशि को जानते हो आप, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, ओनली परिमाण की आवश्यकता होती है। तो हम पुट कर सकते हैं गतिशीलता अदिश भौतिक राशि होती है। अब देखो एक नई परिभाषा और बनाएंगे भाई गतिशीलता की। क्या रहे? यदि जो E है वो हो एक न्यूटन प्रति कूलम्ब, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम्ब। यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक न्यूटन प्रति कूलम्ब हो तो वही यहां से क्या हो जाएगा रे? तो समीकरण से हो जाएगा म्यू बराबर हो जाएगा वीडी। अगर इस समीकरण नंबर दो में E का मान अगर एक न्यूटन प्रति कूलम्ब रखेंगे तो म्यू का मान हो जाएगा वीडी के बराबर। अर्थात यदि किसी चालक पर आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एक न्यूटन प्रति कूलम्ब हो तो उस चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग ही गतिशीलता के बराबर होगा। या ऐसे बोल सकते हैं कि किसी चालक पर प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर किसी चालक पर प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग ही क्या कहलाती है? गतिशीलता कहलाती है। किसी चालक पर प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग ही गतिशीलता कहलाती है। भाई कोई चालक है उसमें उस पर प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र आरोपित कर रहे हैं तो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग ही क्या हो जाएगा? गतिशीलता कहलाएगा। यहां से देखो अब हम गतिशीलता का मात्रक और विमा निकालेंगे। गतिशीलता का मात्रक एवं विमा, गतिशीलता का मात्रक। देखो गतिशीलता का मात्रक वही होगा जो म्यू अपॉन में वीडी का मात्रक होगा, सॉरी वीडी अपॉन में ई का, वीडी अपॉन में ई का मात्रक। क्लास में पढ़ा था अभी, दोनों साइडों के जो बराबर के दोनों साइडों का जो मात्रक होता है वो बराबर होता है। तो यहां से गतिशीलता का मात्रक वही होगा जो वीडी अपॉन में ई का मात्रक होगा। तो यहां से देखो वीडी क्या है भाई? वेग है। तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम्ब। तो यहां से कूलम्ब प्रति न्यूटन हो जाएगा एक मात्रक, तो ये हो गया। या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक मात्रक और होता है, यहां से वीडी का तो हो गया मीटर प्रति सेकंड और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो यहां से मीटर तो ऊपर चला जाएगा और वोल्ट नीचे रह जाएगा, एक मात्रक हो गया ये वाला। तो गतिशीलता का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड इनटू कूलम्ब प्रति न्यूटन, या मीटर प्रति यहां से हो जाएगा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड इनटू वोल्ट, एक ये हो जाएगा। अब देखो गतिशीलता की विमा, गतिशीलता की विमा गतिशीलता की विमा वही होगी जो वीडी अपॉन में ई की विमा होगी।
तो यहां से बी भी क्या आ रहा है, वेग। तो वेग की विमा होती है एम जीरो एल वन टी माइनस का वन, और विद्युत क्षेत्र की विमा देखो वहां से निकालो है, विद्युत क्षेत्र बराबर होता है ई बराबर एन अपॉन में सी होता है, जुपिटर पर्टिकुलम होता है, और यहां से ई इक्वल होता है एफ अपॉन में क्यू। तो F तो क्या हो जाएगा, बल का मात्रा न्यूटन और आवेश का मात्रा हो गया कूलम। तो यहां से हम न्यूटन की जो बल की विमा होती है वो होती है m1 l1 t minus का 2, और आवेश की विमा होती है t1 a1, क्योंकि आवेश q बराबर होता है i into t, ठीक है। तो यहां से E की विमा क्या होती है m1 l1 t minus का 3 a माइनस का वन। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की विमा रख दो, यहां से हो गई m1 l1 t माइनस का 3 a माइनस का वन। तो यहां से म्यू की विमा क्या जाएगी, रे म्यू की विमा हो जाएगी m माइनस का वन, l ऊपर जाएगा l जीरो माइनस का ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा प्लस का एक है और ये माइनस का जीरो हो जाएगा, और यहां से t माइनस का थ्री ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और एक ये माइनस का t टू और a माइनस का ऊपर जाएगा तो वन हो जाएगा। तो म्यू की विमा हो जाएगी m माइनस का वन l जीरो t टू a वन, ये हो गई म्यू की विमा, और ये था गतिशीलता का मात्रक। अब देखो जो ये गतिशीलता है वो पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। जो गतिशीलता होती है म्यू वो पदार्थ की प्रकृति है, भाई कैसा पदार्थ है, चालक है, कुचालक है, प्लास्टिक है, अर्धचालक है, उन पर। और जो ताप होता है, अगर ताप बढ़ाएंगे तो गतिशीलता भी बढ़ जाएगी, ताप बढ़ाएंगे तो गतिशीलता कैसे बढ़ेगी, जो पदार्थ में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनकी जो टकरे होंगी वो बढ़ जाएगी, जिसके कारण गतिशीलता भी बढ़ जाती है। देखो जिस धातु में इलेक्ट्रॉनों का अपवन वेग अधिक होता है उस धातु में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता भी अधिक होती है। अरे भाई गतिशीलता अपवन वेग के समानुपाती है, हम जानते हैं Vd समानुपाती होता है E के। तो जिस पदार्थ के मान जिस धातु के अंदर अगर किसी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवन वेग अधिक हुआ तो उस पर आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अधिक होगी, ठीक है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि गतिशीलता जाकर Vd, यहां से देखो म्यू इज इक्वल टू होता है Vd अपॉन में E, Vd समानुपाती होता है E के, मतलब अपवन वेग अधिक तो गतिशीलता भी अधिक होगी। देखो आज की वीडियो में हमने गतिशीलता, गतिशीलता की विमा, गतिशीलता की मात्रक पढ़ लिया है। अब जो आगे वीडियो होगा उसमें ओम का नियम पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।